बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के रोलीज एंड मीन वैल्यू थ्योरम चैप्टर से है। वेरीफाई रोलीज थ्योरम इन द क्लोज इंटरवल ए कमा बी फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर एम एक्स माइनस बी टू द पावर एन। यानी ये फंक्शन इस इंटरवल क्लोज इंटरवल में डिफाइन है एम एंड एन, वेयर एम और एन के बारे में बताया गया बीइंग पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर आपको मालूम ही है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। एंड फाइंड ए सुइटेबल पॉइंट सी, जैसे हम लोग जानते हैं रोलीज थ्योरम में पॉइंट सी होता है, उसको फाइंड करना है। ये सी पॉइंट आपको मालूम है कि बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। ओपन इंटरवल को हम पैरेंथेसिस डिनोट करते हैं और क्लोज इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो अगर एक पॉइंट सी दिखा देंगे कि ये ओपन इंटरवल में है तो रोलीज थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम दिस फंक्शन को देखते हैं, जो गिवन फंक्शन है उसको यहाँ पर लिख देते हैं एफ एक्स। एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स माइनस ए की पावर एम, जो पॉजिटिव इंटीजर है एम, और एक्स माइनस बी की पावर बी एन पॉजिटिव इंटीजर है। अगर यहाँ पर हम इस वाले फैक्टर में अगर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव पावर होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स जो आएंगे इसके एक्सपेंशन अगर करते हैं तो एम प्लस वन आएंगे, और इसका एक्सपेंशन करते हैं इसमें नंबर ऑफ़ टर्म आएंगे एन प्लस वन, और इस पूरे यानी एफ एक्स में जितने टर्म होंगे वो होंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी एम प्लस वन और एन प्लस वन। इन जैसे कि अगर एम की वैल्यू 5 होती है और एन की वैल्यू माना कि 4 होती है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 6 × 5 यानी 30 टर्म आएंगे। और लेकिन ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर एम और एन हमको डिस्क्लोज नहीं किया गया तो इसलिए हम नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि फाइनाइट टर्म होंगे और उन फाइनाइट टर्म में जो एक्स की जो पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी क्लियरली, और जो मैक्सिमम पावर होगी एक्स की वो एक्स की पावर एम प्लस एन होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक्स में यानी पॉलिनोमियल है, अगर हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हुए तो एक्स में पॉलिनोमियल है, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो किसी भी इंटरवल पर यानी क्लोज या ओपन किसी भी रियल इंटरवल पर वो कॉन्टीन्यूस भी होता है और साथ ही साथ डिफ्रेंसिबल भी होता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो बता देते हैं इनको, मालूम ही है हमको गिविन था सिंस एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर। ये एम और एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो देयरफॉर इन एक्सपेंशन, इन अगर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करें इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस ए टू द पावर एम एंड एक्स माइनस बी टू द पावर एन वाइनोमियल थ्योरम। तो देयरफॉर हम देखेंगे कि ये एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल होगा। एफ एक्स इसे हमें मिलेगा पॉलिनोमियल। इसमें कितने टर्म होंगे इसे बताने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। इस पॉलिनोमियल और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कॉन्टीन्यूस भी होता है और जो डिफ्रेंसिबल भी होता है किसी भी रियल इंटरवल में। तो जैसे भी सूटेबल हमारे होगा रोलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग वो हम इंटरवल यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। फिलहाल हम इसको जनरल वैल्यू लिख देते हैं, बात लिख देते हैं। हैंस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एंड डिफ्रेंसिबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज़
ऑफ एक्स, यानी एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, यानी किसी भी इंटरवल के लिए, या क्लोज हो या ओपन हो। तो हम चूँकि देखना होता है कि रोलिस थ्योरम को अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो रोलिस थ्योरम की जो कंडीशंस हैं उनको देखना होती है, तीन कंडीशंस होती हैं, उन तीनों को सेटिस्फाई करना होता है। तो हम पहली कंडीशन अब यहाँ पर लिख रहे हैं कि फंक्शन का क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूस होना, ये मैं पहली कंडीशन को अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, यानी लास्ट में जो बात लिखी थी, एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस भी है, डिफरेंसिबल है एक्स से किसी भी रियल वैल्यू के लिए, इसलिए हम लिखेंगे जो हमारी ज़रूरत होगी रोलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस होती हैं तीन, उनको हम लिखेंगे। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एंड इन क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि हमें जो कॉन्टीन्यूटी होती है वो हमें देखना होती है क्लोज इंटरवल में, एंड साथ साथ हमें एफ एक्स की डिफरेंसिबिलिटी भी देखना होती है, इज़ डिफरेंसिबल डिफरेंशिएबल। ये बात तो लिख ही चुके हैं ऊपर, कॉन्टीन्यूस और डिफरेंसिबल है हर रियल वैल्यू के लिए, तो हम जो रोलिस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग भी इसको दिखा देते हैं। हालांकि आप उतना लिख के भी इसको ना दिखाएं तब भी काम चलेगा। देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंसिबल इन ओपन इंटरवल, ये कंडीशंस फर्स्ट है, ये सेकेंड है रोलिस थ्योरम की जो कंडीशंस है। तीसरी कंडीशन और देखना होगी, उसमें आप देखेंगे जो आपके ये पॉइंट हैं इंटरवल के ए और बी, इन पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो पहले तो हम एफ ए निकालेंगे, यानी जहाँ पर भी हमको एक्स मिलेगा वहाँ पर रख देंगे ए रख देंगे, और तो यहाँ पर था एक्स माइनस ए, यहाँ पर था एक्स माइनस का बी, और एक्स बाकी जगह पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, लेकिन एक्स की वैल्यू में ए रखना है, यहाँ पर भी ए रखना है, तो ए में से ए माइनस होगा ज़ीरो, ज़ीरो की पावर एम, यहाँ पर ए माइनस बी इसकी वैल्यू कुछ भी होती रहे, ये ज़ीरो की पावर अगर हम करते हैं एम तो ज़ीरो ही आएगा, और ज़ीरो से फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, यानी एफ ए की वैल्यू हमको मिल चुकी है ज़ीरो के बराबर। अब ज़ीरो एफ ज़ीरो मिल गया तो एफ जो इंटरवल का जो दूसरा लास्ट पॉइंट है यानी बी, वो देखेंगे, उस पर फाइंड करेंगे। तो उसमें क्या था, फंक्शन एफ एक्स को देखिए जो मैं शुरू में था, उसकी पावर एम थी और यहाँ पर इस वेक्टर की पावर एन थी, इसमें से ए माइनस हो रहा था, यहाँ पर बी, ये एक्स था और एक्स की जगह पर हमें रखना है बी, तो बी यहाँ पर रख दे रहे हैं, देख रहे हैं कि बी माइनस ए की पावर ये कितनी हो, ये बी में से बी माइनस जाएगा तो ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो की पावर एन करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो में इसका मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, यानी एफ वी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ गई है। कुछ भी वैल्यू आ सकती है ये, लेकिन अगर रोलिस थ्योरम आप अप्लाई कर रहे हैं तो एफ ए की वैल्यू जितनी भी आई हो वो एफ वी के बराबर आना चाहिए, तभी हम रोलिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, रोलिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन हो गई जो रोलिस थ्योरम की। अब इसका रिज़ल्ट को हमें चेक करना होता है कि वेरीफाई तभी होता है। रिज़ल्ट क्या है कि जो हम लोग जानते हैं कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कोई फंक्शन करता है तब अप्लाई होती है रोलिस थ्योरम। ये अप्लाई होती है कि एक पॉइंट ज़रूर होता है ओपन ऑन इंटरवल ए बी में, एक पॉइंट सी ज़रूर होता है जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है। अगर हम सी ऐसी वैल्यू कोई फाइंड कर सकें ए बी के बीच में तो हम ये प्रूव कर सकेंगे, यानी वेरीफाई कर सकेंगे। तो वो पॉइंट हमें सी फाइंड करना होता है कि ये ए बी इंटरवल में है, तो पहले तो हम इस वैल्यू को ज़ीरो के बराबर ही रख देते हैं और फिर सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो अगर ओपन इंटरवल में आती है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी डेरिवेटिव की फंक्शन के। तो फंक्शन तो एफ एक्स आपके सामने हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर पीछे लिखा हुआ भी है, चाहे इक्वेशन वन डाल दीजिए, वो था एक्स माइनस ए की पावर एम, हमारे आसानी रहेगी इसको हम दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं, और हमें ज़रूरत है एफ डैश एक्स की, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर लें। तो यहाँ पर हम यहाँ तो पहले ही करके रखते और ये बता देंगे कि आल कंडीशन थ्री कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन है, थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, इसलिए हम रोलिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको जो है आप ना लिखिएगा, तो ये कंटिन्यूटी टूट रही है यहाँ से, क्योंकि एफ ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गई तो हम वहाँ पे ये बता दें इनको कि आल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर सिंस एफ सेटिस्फाइज आल दी कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम या रोलिस थ्योरम, तो तीन कंडीशन थी, तीनों सेटिस्फाई हो गई, पहली कंटिन्यूटी की, दूसरी डिफरेंसिबिलिटी की, और तीसरी एक्स जो पॉइंट इंटरवल के लास्ट जो
फर्स्ट एंड लास्ट, तो उस को इन एक्सट्रीम पॉइंट वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो तीनों कंडीशन जब हमने देख ली तब रोल्स थ्योरम यानी इसमें अप्लीकेबल होगी। तो अप्लीकेबल होगी तो क्या करना होगा, तो आपको मालूम है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे पहले बताया वो ज़ीरो के बराबर होगा, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, आपको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एट लीस्ट वन पॉइंट, वन वैल्यू ऑफ एक्स की ऐसी वैल्यू ज़रूर एक होगी, किस में होगी, इन इंटरवल ए कमा बी, यानी ये ओपन इंटरवल कहलाता है, इसमें ए और बी शामिल नहीं होते हैं, फॉर विच जिसके लिए, फॉर विच जिसके लिए आपको मालूम है क्या होने वाला है, फॉर विच ऊपर मैंने बता दिया था एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी, और जो वैल्यू एक्स की इस इंटरवल में होगी ओपन में वो सी वैल्यू कहलाएगी, और वो तब हमारा ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी। तो हमने वहाँ पर इसलिए नहीं किया था, हमारे पास ये एफ़ की वैल्यू सामने आ गई है और आप डिफ्रेंसीशन कर लेंगे एफ डैश का मतलब क्या होता है, वो भी यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा, इसलिए हमने आप वैसे भी कर सकते थे जैसे हमने अभी शुरू में कहा, लेकिन एक कंटिन्यूटी टूट रही थी। एफ डैश का मतलब होता है कि एफ एक्स जो हमने गिविन है उसका डिफ्रेंसीशन करना, तो ये यहाँ पर हम लिख सकेंगे, इसलिए हमने उसको हटा दिया था। वहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू मालूम है कितनी है, एक्स माइनस ए की पावर एम और एक्स माइनस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हमें करना होगा डिफरेंशिएशन दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का, तो फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख दीजिए और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे या तो आप करके दिखा दीजिए एक्स माइनस बी की पावर एन ऐसे करके, फिर प्लस फिर सेकंड फंक्शन को वैसे लिख दें, और फर्स्ट फंक्शन का आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी एक्स माइनस ए की पावर एम का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर ये x माइनस ए टू द पावर m, ये डिफरेंशिएशन जब करेंगे x मान के करेंगे, x की पावर n का होता है पावर आगे जाएगी, जितनी भी पावर होगी इसमें से घट जाएगा, लेकिन ये x नहीं है इसलिए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे x माइनस बी का, प्लस x माइनस बी टू द पावर n, और इसमें इसे मानते हुए x मानते हुए करेंगे पावर आगे जाएगी, जितनी भी पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा, लेकिन ये x नहीं है इसलिए दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे x माइनस ए से, राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो के बराबर है। तो n को शुरू में लिखेंगे n x माइनस ए की पावर m, और ये वैल्यू लिखेंगे x माइनस बी टू द पावर n माइनस वन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x का तो वन हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का ज़ीरो हो जाएगा, प्लस m को यहाँ पर शुरू में लिख देंगे x माइनस बी टू द पावर n और x माइनस ए टू द पावर m माइनस वन, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन का x का तो वन हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का ज़ीरो, राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म में जो कॉमन है ये तो वन है सिंपली, तो इसमें इनटू का यही आ जाएगा, इसमें हमें नज़र आ रहा है x माइनस ए भी नज़र आ रहा है और x माइनस बी भी है, लेकिन इधर पावर m है, यहाँ पर m माइनस वन है x माइनस ए की पावर, तो जो कम पावर होती है यानी m माइनस वन वो बाहर ली जाती है कॉमन में, ऐसे ही x माइनस बी दोनों में है लेकिन जो कम है n माइनस वन लेंगे और इसे कॉमन जो चीज़ से उसे बाहर निकालेंगे तो बचेगा इधर तो n बचेगा और उसमें एक पावर इसकी बच जाएगी x माइनस ए की, और प्लस यहाँ पर m के साथ इसमें x माइनस बी की एक पावर बच जाएगी, राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। इसको ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो x माइनस ए की पावर m माइनस वन, यहाँ से x की वो वैल्यूज मिलेंगे जिससे फंक्शन ज़ीरो होगा, और अगर एक ऐसी वैल्यू हमको मिल जाती है यानी डेरिवेटिव फंक्शन का, जो फंक्शन एफ एक्स था उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, वो वैल्यू मिलेंगी, और उनमें से अगर एक वैल्यू ऐसी मिल जाती है जो ओपन इंटरवल में है, ए बी ओपन इंटरवल में है, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, एन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आ जाएगा एन एक्स माइनस एन ए, प्लस एम का इंटू करेंगे तो एम एक्स माइनस का एम बी, राइट हैंड साइड में ज़ीरो, ये तीन फैक्टर चल रहे हैं, इन तीनों को अलग अलग हम लोग ज़ीरो के बराबर पुट करके एक्स की तीन वैल्यू मिल जाएंगी, उनमें से देखेंगे कौन सी ओपन इंटरवल में होगी वही एक्सेप्टेबल होगी। इन दोनों में से आप चाहें तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो एम बचेगा यहाँ से और एन बचेगा यहाँ से, और एक्स हमने लिया माइनस का एन ए है और माइनस का, चाहे तो आप माइनस का चलिए बाद में काम में लेते हैं एम बी, और राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो के इक्वल है। अब हम इन तीनों को एक करके ज़ीरो के बराबर रखेंगे, जब ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो x माइनस ए को जब ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी
a और फिर यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी b और फिर यहाँ से हम जब ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये साइन थोड़ा गलत हो रहा है, देखिए माइनस का एम बी है तो माइनस का एम बी का लीजिए, क्यों प्लस हो गया पता नहीं चला, एन ए और माइनस का एम बी और इस ब्रैकेट को भी ज़ीरो के बराबर रखा, लेकिन इसे हमने थोड़ा सा सॉल्व करना होगा तब x की वैल्यू फाइंड कर सके। ये तो रीडली हम लोगों ने फाइंड कर ली थी। तो इस इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो m प्लस एन एक्स, और इसको जब ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में तो ये वैल्यू हमको मिली है एन ए हो जाएगा और प्लस का एम बी हो जाएगा एम ए, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकेंगे x की वैल्यू को उसको डिवाइड करते हुए, तो एन ए प्लस का एम बी अपान एम प्लस एन। तो ये वो x की वैल्यू है जो इस वैल्यू को देख के हमें पता चल रहा है कि ए बी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ए है ये पॉइंट और बी है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को एम और एन के रेशियो में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट होगा ये एक्स। एक्स जो पॉइंट अभी हमें मिला है एक्स इक्वल टू एन ए और प्लस एम बी अपान एम प्लस एन, तो ये वाला जो पॉइंट होगा एक्स की वैल्यू वो इस वैल्यूज़ को इन इनको यानी इस पॉइंट को अगर हम पी कह दें थोड़ी देर के लिए, इसको ए बोल दें इसको बी बोल दें, तो ए पी और बी पी का जो रेशियो होगा वो एम एस टू एन हो जाएगा, एम एस टू एन रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा। और ये हम लोग जानते हैं जो जो पॉइंट होते हैं जो डिवाइड करते हैं वो इंटरनली भी होते हैं एक्सटर्नली भी होते हैं, ये चूँकि पॉजिटिव साइन है बीच में तो इंटरनली यानी इनके बीच में ये पॉइंट होगा, यानी ओपन इंटरवल के में ही ये पॉइंट लाई करेगा। देख रहे हैं ये ओपन इंटरवल को लाई नहीं कर रहे हैं, यानी ए जो है डस नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, इसी तरीके से जो बी है वो भी डस नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। तो रोलिस थ्योरम यहाँ से तो कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, अब ये लास्ट वाला पॉइंट जो मिला है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में। अगर आपको मालूम है यही हमें फाइंड करना होता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको जब हम ज़ीरो के बराबर पुट करें और वहाँ से जो x की वैल्यू मिले उनमें से कम एटलीस्ट वन वैल्यू जो है वो ओपन इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है ये वो पॉइंट होता है जो इंटरनली जो है m बाई n के रेशियो में इस a और b को कट करता है। ये रियल नंबर्स हैं a और b, और ये भी एक रियल नंबर है जो इसको इंटरनली m और n के रेशियो में डिवाइड करने वाला है। और यहीं से हम कह सकते हैं कि रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। लास्ट लाइन है, अगले पेज पर हम लिख देते हैं कि हमने बोल दिया वही चीज़ को, उसको लिखना चाहिए हमें लिखना है, हैंस रोलिस थ्योरम इज़ वेरीफाई, जो हमें करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखरुद्दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।